भी हमसे जीता नहीं। हेलो ये शेख साहब लाइन पे है। शेख साहब जी 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 जरा म्यूट कर लेना रेफाल भाई। हेलो हेलो कौन है? जी मैं मोहम्मद ताहिर रजा कादरी बोल रहा हूँ हजरत। कहाँ से? मैं मुरादाबाद से बोल रहा हूँ यूपी से। अच्छा 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 जी फरमाइए जी आप कौन बोल रहे हैं? मैं मोहम्मद अय्यूब। कहाँ से? आंध्र प्रदेश से। अच्छा आंध्र प्रदेश से। तो आपने मुझसे पूछा मगर आपने अपना तारुफ नहीं कराया था, मैं मुझसे तो आपने पूछा व्हाट्सएप पे। अच्छा अच्छा उस दिन कब बात हुई? आज की कल है? आज ही आपने पूछा था मुझसे कि आपको कहाँ से हैं कौन है। अच्छा अच्छा वो आज सब्जेक्ट पूछा था। जी 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 और फरमाए क्या हाल है? कहते हैं बस आप बताइए खड़े से। जी अल्लाह और उसके रसूल का करम है माशाल्लाह। तो आप किस मसलक से हैं हजरत? जी मैं हमारा मसलक पूछेंगे तो हजरत दोनों तरफ है, हमारी फैमिली आधी उधर है आधी इधर है। आप किधर हैं? हमारा तो कुछ भी नहीं, इधर से उधर जो भी तरफ है चलता रहता हमारा। नहीं फिर भी ऐसा तो नहीं होगा दो कश्ती पर सवार नहीं हो पाओगे? नहीं नहीं वो बात तो सही है। जी आप मौलवी हैं? हम तो जी 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 जी। तो हाँ किस तरफ है? देखिए हजरत तरफ की बात करें तो बात अलग है, ठीक है। हमें तो एक ही चीज जानते हैं, ठीक है, हमें तो एक ही चीज जानते हैं कि हमको चलना है अल्लाह रसूल के तरीके से, ठीक है। और बाकी जो है ना मैंने तो किसी से नफरत करता हूँ और न ही किसी से बुग्ज रखता हूँ। अच्छा। बस एक ही चीज है कि अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क्या फरमान है, ठीक है, उसी चीज का हमारा है ईमान। बाकी दुनिया के अंदर मसले मसाइल में लोग उलझते हैं कभी इधर कभी उधर, लेकिन अमाल कितने हैं इंसान के वो तो इंसान के ऊपर है। मैं इसमें जानता हूँ, मैं किसी को उलझता हूँ न किसी को जाता हूँ, मैं एक ही चीज जानता हूँ अल्लाह क्या कह रहा है, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका क्या है। अच्छा इन्हें अशरफ अली थानवी साहब को क्या मानते हैं आप? ये हजरत मुझे न आपको मैं कुछ मानता हूँ और न हम किसी और को मानते। थानवी साहब को भी नहीं मानते? क्यों नहीं मानते? जो अल्लाह वाले अहमद रजा खान साहब को भी मैं मानता हूँ, उनको भी देखता हूँ, जो चीज उनको अच्छी लगती जिसकी उसको भी देखता हूँ। नहीं नहीं मैं अहमद रजा खान की बात नहीं कर रहा हूँ आपसे। फिर मैं अशरफ अली थानवी एक चीज मैं पूछ रहा हूँ हजरत, एक चीज मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि आपको मेरे से काम क्या है वो बताइए। मुझे काम ये है कि मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि आप मौलाना अशरफ अली थानवी साहब को क्या मानते हैं। वो आलिम दीन है, अपनी जगह पर है, वो अपनी जगह पर। आप अपने आप को क्या मानते पहले ये बताइए आपको, अगर मैं ठीक पूछता हूँ हजरत। मैं अपने आप को माफ कीजिएगा, आप अपने आप को क्या मानते? मैं अपने आप को मुसलमान मानता हूँ, सही अकीदा। बस बस आपके अकीदे सही है तो फिर दूसरे में क्या बात है? आप जब अपने आप को मुसलमान कह रहे हैं तो मुसलमान किस नाते पे मांग रहे हैं? किस नाते पे मांग रहे हैं मुसलमान? मुसलमान इस नाते पे मानना है कि हम अल्लाह और उसके महबूब के फरमान पे अमल करते हैं और अल्लाह और उसके महबूब की जो है कदर करते हैं, इज्जत करते हैं। बस सब तो उसी का नाम है, कौन कदर नहीं करता? अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ तो ये हाँ बात सुनिए, मुझे अशरफ अली थानवी कहाँ से आ गया? हाँ यहाँ से। अरे मैं अपनी इसलाह चाह रहा हूँ आपसे, थोड़ी मेरी इसलाह कर दें। अशरफ अली थानवी साहब की किताब है मेरे पास, मलफूजात हकीमुल उम्मत। देखिए हजरत एक चीज मैं बताऊं, दुनिया के अंदर एक थोड़ी सी चीज याद रखिए, ठीक है। मैं किसी को तो मैं किसी चीज के अंदर में जाता नहीं। अरे एक बात तो सुनिए जरा हजरत, आप एक बात तो सुनिए, थोड़ी इसलाह तो करें ना हमारी। मतलब ये इसमें लिख रहे हैं, इसमें लिख रहे हैं कि माँ के साथ जीना करना जो है वो अकल के फतवे से जायज है। हजरत देखिए आप मुसलमान हैं, आप क्या कह रहे हैं? अरे यार मुझे मैं ही तो पूछना चाह रहा हूँ कि ये मुसलमान का अकीदा होना चाहिए ऐसा? आपने अभी एक बात बताता पूछता हूँ हजरत, मैं एक चीज पूछता हूँ अभी। अपने आप को जो मुसलमान कह रहे हैं तो अपने आप को बचाओगे किसी और को देखोगे? अरे हम किसी के कुछ साथ लेके चलेंगे नहीं, किसी अकाबिर का भी तो दामन पकड़ेंगे नहीं। अब आप जो है किसी का दामन पकड़ेंगे नहीं,
अरे अल्लाह और उसके रसूल के तक पहुंचने के, अल्लाह और उसके रसूल तक पहुंचने के लिए हमें किसी की जरूरत भी तो है नहीं भाई। हम किसी उलमा के फरमान पर भी तो अमल करेंगे, उलमा इकराम से ही तो हमें दीन पहुंचा है। अल्लाह ने अपने महबूब को दिया, महबूब ने साहब इकराम तक पहुंचाया, साहब इकराम है ताबेईन तक, तबे ताबेईन तक, अइमा मुस्तहिदीन तक, फिर सलासिल के बुजुर्गाने दीन तक, फिर उलमा इकराम तक। उलमा इकराम ही तो हमारे लिए शराब है, वही तो हमें राहें दिखाते हैं। तो ये अशरफ अली थानवी साहब जो है अपनी किताब में, इसमें मलफूजात हकीम उल उम्मत में लिख रहे हैं कि माँ के साथ जीना करना जो है अकल के फतवे से जायज है। अब मुझे बताइए कि ऐसा अकीदा रखने वाला मुसलमान है? तो मैं आपके हवाला भेज देता हूँ। एक चीज पूछता हूँ हजरत, मैं आपसे, आपने सवाल बहुत अच्छा किया, अभी जी आप अपने आप को क्या कह रहे हैं? मैं मुसलमान कह रहा हूँ अपने आप को। मुसलमान कह रहे हो, तो मुसलमान का अकीदा क्या है? मुसलमान का अकीदा ये तो हराम है, माए तो कुछ निशानदेही फरमाई है कि वो ये तुम्हारे लिए हराम है। मैं को पूछ रहा था आप मुसलमान का अकीदा क्या, आप कौन सा अकीदे पर रहे? मैं आपसे ही पूछना चाह रहा हूँ कि आपने अभी ये कहा कि मैं दोनों तरफ हूँ, तो अब दोनों तरफ हो तो आप जन्नत की तलब में हो या दोजख की तरफ हो? भाई एक तरफ जन्नत है, एक तरफ दोजख है। आप के अंदर आप अहले इल्म है, तो आपके नजरिए में आपने उसकी तहकीकात कहाँ तक की, आप खुद तो पलटा कर सकती हैं। अरे मैं अगर इतनी तहकीकात जानता, मैं कोई आलिम नहीं हूँ हजरत। मैंने आपको जो फोन किया, मैंने इसलिए तो कहा कि आप मेरी इसलाह करें इसमें, क्या ऐसा अकीदा रखने वाला और कौम को गुमराह करने वाला कि ऐसे अकीदे की बात बता रहा है, तो क्या ये मुसलमान है? इसकी इसलाह करें मेरी, ये कहाँ तक सही सच है? पूरी किताब पढ़िए, भेजिए मुझे क्या लिखे हैं उनकी, मैं भेजता हूँ। थोड़ा सा मैं भेजता हूँ। मैं पढ़ता हूँ, पढ़ूंगा तभी बताऊंगा कुछ, ठीक है? हाँ मैं भेज रहा हूँ, मैं भेज रहा हूँ, आप लाइन पर रहो। आलिमों का काम ये तो होता है कि लोगों की सलाह करें। बिल्कुल आप जो सही बात है। हाँ हाँ किताब भेजिए, थोड़ा सा मलफूजात मैं भी तो पढ़ूं। हाँ हाँ मैं भेज तो रहा हूँ आपके पास, भेज रहा हूँ मैं, आ गया, आ गया आपके पास। देखो आ गया, देखो आपके पास, देखो हजरत पूरी फोटो भेजिए या किताब का मलफूजात में से मैं, ठीक है? देखिए वाइट, देखिए सुनिए आप, सुनिए हजरत, सुनिए ये जो वाइट कलर है इधर वाइट है, इधर पढ़िए आप, इधर जो ये राइट का निशान लगा हुआ है, नहीं देखो पेंसिल से निशान लग रहा है, यहाँ पढ़िए आप। हाँ सर मैं, ठीक है मैं पढ़ के मैं आपको बताऊंगा, ठीक है? टेंशन लेने की जरूरत नहीं ना, अभी बता दो ना, अभी लाइन पे बता दो। इतना ऑनलाइन भी देखिए, यही चीज एक कमी है, बिल्कुल साफ साफ नजर आ रहा है। अच्छा ठीक है, हाँ। काफिर नजर आ रहे हैं तो देखो, काफिर को भी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस याद है आपको? कौन सी पढ़कर सुनाओ। काफिर को भी काफिर कहने की अलॉट नहीं है, याद है आपको? पढ़कर सुनाओ, कौन सी हदीस, कौन सी हदीस से पढ़ो, कौन सी किताब की है? आपको मैं बता रहा हूँ, इतनी बातबाजी जो कर रहे हो ना। हाँ हदीस बताओ, कौन सी है वो? काफिर कहने की अलॉट नहीं है। हजरत हजरत बताइए कौन सी हदीस है वो, जिसमें मालूम नहीं हूँ। देखिए मुझे वो हदीस बताइए, कौन सी किताब की हदीस है जिसमें ये कहा है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने? अरे नहीं आप कह रहे हो ना, तो आप क्या गुमराही में डालोगे मुझे? तुम्हारी चोरी, आप क्या मुझे गुमराही में डालोगे? कौन सी नबी की ऐसी हदीस है कि काफिर को काफिर नहीं कहना चाहिए? वो हदीस भेजो मेरे पास, भेजो जल्दी। तुम्हें ये तो बताओ, नहीं तो इसे थानवी को आप काफिर मानो? आप इसे, मैं आलिम नहीं हूँ, मैं भी कहता हूँ लानत अल्लाह अलल काज़िबीन। सुनिए 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 मौलाना, बात बताओ अभी, मौल साहब कहा कि मैं आलिम नहीं हूँ? हाँ मौल साहब सुनिए, अरे मौल साहब सुनिए तो, सुनिए तो, अरे बड़बड़ क्यों कर रहे हैं आप,
फड़फड़ क्यों कर रहे हैं? मैं क्या कह रहा हूँ आपसे, मैं क्या कह रहा हूँ आपसे, सुनिए आप जो कह रहे हो तो सुनिए मेरी, अरे अब मेरी बात तो सुनिए आप, बड़बड़ क्यों कर रहे हैं? हाँ मैं बता रहा हूँ, अरे तो 700 लो, तो 700 लो तभी तो बताऊंगा। मैं ऐसे आदमियों को अकेला पहले दुरुस्त कर लो। अरे सुनो सुनो, मौलाना भागो मत हो, मौलाना भागो मत हो, तुम्हारी हकीकत ये है, तुम भागोगे कैसे मौलवी हो तुम, देवबंद के क्यों, देवबंद की रवड़ी नहीं डूबे हो, सुनो मेरी बात, तस्लीम करो, बात सुनो, अरे तो सांस तो लो तब, मैं तभी तो मैं बोलूंगा, जब तुम चुपोगे तभी तो जवाब दूंगा। मैं कहता हूँ लानत अल्लाह अल काज़िबीन, झूठ बोलने वाले पर अल्लाह की लानत, अगर मैं आलिम हूँ तो मुझ पर अल्लाह की लानत, और तुम अगर झूठ बोलो तुम पर अल्लाह की लानत। मैं आलिम नहीं हूँ, मैं अभी कह रहा हूँ, अगर मुझे तो कह रहे थे, मुझे वो हदीस बताओ, मुझे वो हदीस भेजो आप जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये कहा है कि काफिर को काफिर नहीं कहना चाहिए, वो हदीस भेजो। आप इस बात को तस्लीम करो कि अभी आपने कहा कि मैं आलिम नहीं हूँ। जी जी हाँ, फिर आप झूठ क्यों बोल रहे हो? क्या अभी आपने कहा ना कि मैं आलिम नहीं हूँ? हाँ हाँ, तो मैं कह रहा हूँ मैं मालिम नहीं हूँ, फिर क्या क्या बात है इसमें? मैं आपसे कह रहा हूँ कि मेरी इस्लाह करो इसमें। आप बगैर तहकीक किए फिर दूसरों को तो मुझे तहकीक बताओ ना आप, आपको फोन क्यों किया? आप कैसे दारुल उलूम देवबंद के फारिग हैं? आप कैसे मुफ्ती हैं? आप कैसे मुफ्ती हैं? आपने अभी एक झूठ और बोल दिया, आपने एक हदीस के ऊपर झूठ बोल दिया, तुमने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर झूठ बांधा। तुम खुद काफिर लग रहे हो मुझे, जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ झूठ मंसूब करे वो जहन्नमी है। तुमने झूठ बोला अभी कि नबी की हदीस है, काफिर को काफिर नहीं कहना चाहिए। वो हदीस पढ़ो, कौन सी हदीस है? हदीस पढ़ो आप क्या हो? वो हदीस पढ़ के मुझे सुनाओ जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये कहा है कि काफिर को भी काफिर नहीं कहना चाहिए। पढ़ो हदीस, हदीस पढ़ो। पहली बात तो ये बताइए कि आप जो अपने आप को अभी जिस तरीके से कहा कि मुझे जवाब दीजिए, ऑनलाइन फौरन कीजिए, पहले उनके आपने सवाल किया है ना, आप ये बताइए किसी काफिर को काफिर क्यों कहा जाता है? उसके कुफ्र की बुनियाद पर, उसके कुफ्र की बुनियाद पर। अल्लाह ताला खुद कुरान में कह रहा है, अल्लाह ताला खुद कुरान में कह रहा है, अल्लाह ताला खुद कुरान में कह रहा है, कहला रहा अपने महबूब से, कहो इनसे या काफिरों, बोल या अय्युहल काफिरून, क्या कह रहा तुम काफिरों को निशानदेही फरमा रहा है कि इन काफिरों से कह दो, तर्जमा करो जरा, करो तर्जमा। वो तुम मुझे पहले वो हदीस पढ़कर सुनाओ जो अभी आपने झूठ काफिर करो, पहले अच्छा अच्छा सुनो सुनो सुनो, अभी करता हूँ, अभी करता हूँ, अभी करता हूँ। भागना मत, भागना मत देवबंदी साहब, भागना मत। देखिए सामाईन हजार, ये देवबंदी मौलवी है, ये देवबंदी मौलवी अभी झूठ बोलेगी कि इन्होंने एक झूठ मंसूब किया नबी की तरफ, ये झूठी हदीस। तुम खुद काफिर हो, तुम खुद काफिर हो, तुमने नबी की तरफ झूठ मंसूब क्यों किया? तुमने झूठ क्यों बोला? अभी अभी आपने ये कहा कि नबी की हदीस है कि काफिर को भी काफिर नहीं कहना चाहिए, हदीस पेश करो। झूठ बोल रहे हो तुम, कज़्ज़ाब आदम हो, कौम को गुमराह कर रहे हो, तुम कौम को गुमराह कर रहे हो। इस बुनियाद पर इसका जवाब दो फिर मुझे, ये बलकुजात हकीम उम्मत में जो इसने लिखा है कि माँ के साथ जीना करना अकल के फतवे से जायज है, कहाँ से इसने मनहूस ने लिख लिया, कहाँ से इसने इस्तेमाल किया ये मनहूस ने? इसमें काफी वन मिनट मुझे जवाब दो, मुझे जवाब दीजिए। हाँ चलो लाइन दो, लोग ले रहो, लो 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 लाइन, लो लाइन, हाँ बाहर लो किसी लेल पे ले रहा हूँ, तुम अपने बड़े उल्लूमा को लो, अपने मुफ्ती को लो, किसी हाँ मुफ्ती को लो, हाँ हाँ लो 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 किसे ले रहा हूँ, ले लो 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 लाइन पे लो, लाइन पे लो। देखिए सामने हजरात, ये देवबंदी मौलवी है जो इसने एक तो झूठ हदीस पर झूठ बोला कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि काफिर को भी काफिर नहीं कहना चाहिए। हाँ जल्दी करो, जल्दी जल्दी करो, जल्दी करो, जल्दी ठीक है, जल्दी करो। देखिए साहब, सामने हजरात, ये औकात है देवबंदी की, अब ये गालियों पे आ गए, ये मौलवी है, ये मौलवी है देवबंदी के, देखिए ये कितना झूठ बोल रहे हैं, एक लांसी को बचा नहीं पाए थानवी को, अब उसको और झूठ बोला इन्होंने, ये इन्होंने और झूठ बोला। अरे अरे मौल साहब, मौल साहब, तुम क्यों कौम को गुमराह कर रहे हो? अरे कौम को गुमराह क्यों कर रहे हो? क्यों कौम को गुमराह कर रहे हो? काफिरों को कौम को गुमराह कर दिया तुमने, मर्दूदो शैतानो, तुमने कौम को गुमराह कर रखा। लाइन लो बेची, अब जिस व्यक्ति से बात कर रहे हैं, शैतान फिर किसे लेगा लाइन पर? देखिए ये बदकलामी बात है, ये देवबंदी की औकात है। द पर्सन यू आर स्पीकिंग विद हैज पुट योर कॉल ऑन होल्ड, प्लीज स्टे ऑन द लाइन। మీరు మాట్లాడే వ్యక్తి మీ కాల్ ని హోల్డ్ లో పెట్టారు, దయచేసి లైన్ లో వేచి ఉండండి। अब जिस व्यक्ति से बात कर रही है उन्होंने आपके कॉल को होल्ड पर रखा है। ये औकात इसकी देखो, ये देवबंदी मुफ्तियों की औकात है, मौलवियों की, यानी एक तो ये उसे नहीं बचा पाया भांडवी को,
फिर दूसरा और इसने एक झूठ और बोल दिया कि नबी की हदीस है कि काफिर को भी काफिर नहीं बोलना चाहिए। बताइए ये ईमान है इनका, कैसे कौन को गुमराह करने आ रही। जिस व्यक्ति से अल्लाह रहम फरमाए अल्लाह ही मालिक है मुसलमानों पर रखा है, कैसे कौन को इन्होंने धब्बा बर्बाद कर दिया इस्लाम के नाम पे, मर्दूद शैतानी धब्बा। इतना बड़ा झूठ बोलते हैं मक्कारी। మీరు మాట్లాడే వ్యక్తి మీ కాల్ ని హోల్డ్ లో పెట్టారు, దయచేసి లైన్ లో వేచి ఉండండి। आप जिस व्यक्ति से बात कर रहे हैं उन्होंने आपके कॉल को होल्ड पर रखा है। सलाम अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अब बात कीजिए मौलाना। हाँ बोलिए। अब सवाल कीजिए मुफ्ती साहब। अच्छा मुफ्ती साहब आए हैं क्या लाइन पे? हाँ हाँ मुफ्ती साहब आए। हाँ जी मुफ्ती साहब, आपको पता चलेगा मुफ्ती साहब। हाँ 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 मुफ्ती साहब, मुफ्ती साहब बोलिए। मुफ्ती साहब हाँ आप बोलिए, क्या कह रहे हैं आप? अरे मुफ्ती साहब से तारुफ तो कर लेने दो मुझे, कौन से मुफ्ती साहब हैं ये, इनका नाम तो पूछ लूँ मैं, सर आवाज़ तो सुनवाओ इनकी। ये तो बोल ही नहीं रहे। हाँ मुफ्ती साहब क्या नाम है आपका? खाली जी, मैं इनसे सवाल कर रहा था। एक मलफूजात हकीमुल उम्मत में एक थानवी साहब ने लिखा है कि माँ के साथ जिना करना जो है वो अकल के फतवे से जायज है, तो अब ये गाली गलौज करने लगे। फिर इन्होंने एक और झूठ बोला कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक है कि काफिर को भी काफिर नहीं कहना चाहिए। इनसे छुपाओ नहीं छुपाओ बीच में बोल रहे हैं, ये बीच में बोल रहे हैं, ये बीच में बोल रहे हैं। मैं आलिम नहीं हूं, मैं अभी कह रहा हूँ लानत अल्लाह अलल काज़िबीन, झूठ बोलने वाले पर अल्लाह की लानत। अगर मैं आलिम हूं तो मुझ पर अल्लाह की लानत, और तुम झूठ बोलो तो तुम पर अल्लाह की लानत। तो ये गाली गलौज कर रहे हैं साहब। मुझे वो हदीस आप मुफ्ती साहब बता दो कि वो कौन सी हदीस है जिसने नबी करीम, जिसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है कि काफिर को भी काफिर नहीं कहना चाहिए। जी मुफ्ती साहब आप कहाँ से बोल रहे हैं, क्या है? मेरा नाम मोहम्मद ताहिर रजा कादरी है, मैं मुरादाबाद यूपी से बोल रहा हूँ। बात हो रही हो क्या है मतलब? ये पूछ रहे हैं कि ये साहब मेरे पर्सनल पर आए, और पर्सनल पर आकर इन्होंने जो थी खुराफात बकनी शुरू कर दी मुझे। अब मैंने इनसे सवाल किया एक, तो आप क्या मान रहे हो वो तो काफी है, आप बताओ। मैं तो इनको क्या कुछ कारोबार की बात कर रहे हैं या अकाइद की बात कर रहे हैं? अकाइद की बात कर रहे थे। मैंने इन्हें स्कैन भी भेज दिया है, मलफूजात हकीमुल उम्मत जो तुम्हारे अशरफ अली थानवी साहब का लिखा हुआ है वो इन्हें भेज दिया है मैंने। उसमें वो कह रहे हैं कि माँ के साथ जीना करना जो है अकल के फतवे से जायज है। तो मैं इनसे पूछ रहा था मैं कि ये कहाँ से जायज हो गया, तो ये गाली गलौज करने लगे। फिर इन्होंने एक झूठ और बोला कि काफिर को भी काफिर नहीं कहना चाहिए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ झूठ मंसूब करने वाला पक्का जहन्नमी है, ये जहन्नम के खुद मुस्तहिक हुए। कौन सी हदीस है वो ऐसी जिसमें नबी ने फरमाया कि काफिर को काफिर मत कहो? काफिर को काफिर अगर नहीं कहा जाएगा तो क्या मुसलमान कहा जाएगा? आपने इनको क्या भेजा किताब का फोटो, ये मांगा था आपसे? हाँ इन्होंने मांगा मुझसे। ये पूछिए इनसे पहली बात कि ये कि आपने जो तारुफ कराया, आप पूछ रहे कौन सा मसलक से, तो जब मैंने आपसे कहा कि मैं मुसलमान हूँ, आप क्या कह रहे हैं मुसलमान है? तो पहला आप क्या सवाल कर रहे हैं कि मौलाना अशरफ अली थानवी को आप क्या मानते? बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक, ठीक है। तो मैंने आपसे ये भी कहा है कि भाई जो आलिम है वो आलिम है, आप जो मानते हो हम बोलते हैं, आप क्या मान रहे हो पहले बताओ? ठीक है सवाल क्या, आप क्या मानते हो? मैंने तो कुछ भी नहीं कहा आपसे, मैंने आपसे सवाल लग दिया मौलाना सुनिए, मैंने आपसे ये कहा कि मैं आलिम नहीं हूँ। मैं एक ये मेरे पास स्कैन है इसका, किताब का मलफूजात है, सुन तो लो जरा, तुम सांस तो लेते नहीं, बड़बड़ करते रहो। मैंने आपसे ये कहा कि मेरे पास ये किताब है मौलाना अशरफ अली थानवी साहब की, इसमें मलफूजात हकीमुल उम्मत में ऐसे ऐसे लिखा उन्होंने, तो आप मुझे सिर्फ इसलिए सलाह कर दें मेरी कि ये कहाँ से जायज है। आप उसमें गाली बकने लगे मुझे, आपने कहा तुम क्या मानते हो? गाली नहीं बक रहा हूं, तब रिकॉर्डिंग है ये मौलाना, तुम्हारी यूट्यूब पर आएगी, ये सब दुनिया सुनेगी, तुम पर लोग हंसेंगे, तुम पर थूतू करेंगे, तुम्हारे देवबंद वाले भी। तुम इतना बड़ा झूठ बोले, तुमने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ झूठ मंसूब किया, तुमने ये कहा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक है कि काफिर को भी काफिर नहीं कहना चाहिए। ये कौन सी हदीस है पढ़कर सुनाओ मुझे, अपने मुफ्ती साहब से सुनवाओ, चलो कौन सी हदीस है वो पढ़वाओ इनसे, कौन सी हदीस है वो? कयामत आ जाएगी मगर कोई तुम्हारी जरूरत में ऐसा पैदा नहीं हुआ है कि जो ऐसी हदीस कोई दिखा दे कि काफिर को काफिर नहीं कहना चाहिए। है? अरे जब काफिर को काफिर नहीं कहा जाएगा तो क्या कहा जाएगा उसे? क्यों बोल साहब, चलो भाग गए ये भी, बोल साहब भी मोहम्मद रजा ये भाग गए दिखे शायद, इनका भी काम हो लिया। मुफ्ती साहब तो बोले ही नहीं बिल्कुल, इनके ये औकात है इन लोगों की, देखिए
मोहम्मद रजा भाग गए दिखे साहब, ये मुफ्ती साहब भी गए।